Now, in this video, we will discuss about some more applications of linear equation in one dimension. ठीक है भाई, इस वीडियो में हम कुछ अलग एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन तो हमने पहले भी डिस्कस की थी अपने पिछली वीडियो में, इसमें हम कुछ और एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे. ये जो वीडियो है हमारी 2.4 को कवर करेगी. ठीक है, अभी एक क्वेश्चन लिखा है मैं करवाया हूँ, देखो आपने कैसे करना. जैसे भाई क्वेश्चन है, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया. जो अर्जुन है वो श्रिया से उम्र में दो गुना है. ठीक है, 5 years है, 5 साल पहले जो हिज एज का मतलब वो हिज, ये वर्ड आया है हिज का मतलब मेल की बात हो रही है, मेल का मतलब अर्जुन की बात हो रही है. वो कह रहा है 5 साल पहले जो अर्जुन की एज थी वो 3 times थी श्रिया की एज. ठीक है भाई, तो हमने क्या करना है, प्रेजेंट एज निकालना है. ठीक है, और इन क्वेश्चन में हमने जो भी निकाला होता है उसको हम वेरिएबल के फॉर्म में कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं. ठीक है, तो लेट कर दो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ श्रिया, जो श्रिया की प्रेजेंट एज है वो एक्स मान लेते हैं. ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन, अर्जुन कितना है भाई, 2x, 2 गुना है श्रिया से. ठीक है, उसके बाद 5 years है, 5 years ago एज ऑफ श्रिया, जो श्रिया की एज है कितनी हो जाएगी भाई, x माइनस 5, जितनी उसकी प्रेजेंट एज है. तो 5 साल पहले क्या थी, 5 साल का मुझे माइनस आएगा क्योंकि एगो की बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं. उसके बाद 5 years एगो एज ऑफ अर्जुन, अर्जुन कितना है भाई, 2x है, तो 5 साल पहले कितना था, 2x माइनस 5x. ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई वो क्या बोल रहा है, 5 years है वो हिज एज, हिज का मतलब किसकी एज, अर्जुन, 3 times है इसके श्रिया की, श्रिया की एज का 3 गुना, तो श्रिया की एज कितनी है, x माइनस 5, इसको सॉल्व कर दो, 2x माइनस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x माइनस 15, 2x और ये 3x इस तरफ आकर माइनस का, और ये माइनस 15 और ये 5 उस तरफ आकर प्लस का, तो माइनस x इक्वल टू माइनस, तो यहाँ से माइनस कट गया, x की ना आकर 10 years, यानी कि अब इन्हें प्रेजेंट एज निकालनी थी, तो श्रिया की एज कितनी है, 10 years है, और अर्जुन की एज इनटू 10 कितना आकर 20 years. ये क्वेश्चन ऐसे करना है, इस फॉर्मेट को फॉलो करना है, एक बार देख लीजिए. उसके बाद भी हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपने एक्सरसाइज का. ठीक है, अमीना जी के नंबर मल्टीप्लाई, और जो रिजल्ट मिलता है उसकी एक से मल्टीप्लाई कर दिया भाई. ठीक है,
The result is now obtained is 3 times the number C4. जो रिजल्ट मिला है वो 3 times है, जो नंबर वो सोच रही है, ठीक है, बट इसकी नंबर ये बेसिकली 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो भाई, सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अमीना जिंक के नंबर, अमीना ने एक नंबर सोचा जो हमें लास्ट में जाकर निकालना भी है, बट इसकी नंबर तो लेट कर लेंगे भाई, लेट द नंबर इज एक्स, जो हमें नंबर है वो एक्स कंसीडर कर लिया, एक्स मान लो, ठीक है। अब भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, वो उस नंबर में से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर रही है और फिर उस जो उसको मिला है वो किससे मल्टीप्लाई कर रही है, उसकी मल्टीप्लाई रिजल्ट बाय 8, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर रही है और जो उसको एंड में रिजल्ट मिल रहा है वो 3 टाइम्स है, जो नंबर वो सोच रही है, उसने क्या सोचा है भाई x। तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन की इक्वेशन है, अमीना ने नंबर सोचा उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और जो रिजल्ट मिला उसकी 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दी और जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है वो 3 टाइम है, तो नंबर वो सोच रही है स्टार्टिंग में, तो सोचा कितना है उसने x, तो मल्टीप्लाई कर दो 8x माइनस 2 जो कि 20, ठीक है भाई, 3x 8x ये 3x इस तरफ आ गया और इक्वल टू 20 उस तरफ गया, तो 5x इक्वल टू x कितना है 4, तो उसने स्टार्टिंग में कितना सोचा था 4, ठीक है। अगर आपको बाई चांस चेक रिजल्ट करना है तो हम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था चेक रिजल्ट कैसे करते हैं, यहां वैल्यू रख देंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, राइट हैंड साइड कितनी है, लेफ्ट साइड में x माइनस 5/2 इनटू में 8 और राइट साइड में 3x, तो वैल्यू 4 माइनस 5/2 इनटू में 8 3 मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा 12, राइट साइड 12 आ गया, लेफ्ट चेक कर लेते हैं, मैं जल्दी से देख लूं तो कितना आ गया भाई 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई 8 3 5 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया 12, दोनों तरफ 12 है, पीछे जितने आंसर देख रहे हैं की भी जरूरी है, ये वैसे ही अपना मैच हो गया, ठीक है। जो जो x इक्वल टू 4 है यानी जो नंबर हमने कंसीडर किया था वो ये है, ठीक है। इस वीडियो में हमने क्या किया, मैंने दो क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, ठीक है। आपने ये सब कर, ये करने की जरूरत नहीं है, चेक करते हैं ना, ये आपको हर क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है, खासकर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में नहीं करना है, ये तो मैंने वैसे आंसर मैच करने के लिए कर दिया, आप इसको नहीं करोगे। अब मैं क्वेश्चन लिखवाया हूं एक बोर्ड पे, आपको वो ट्राई करना है। जो अमन की एज है वो उसके सब की एज से 3 गुना है, ठीक है, 10 इयर्स है वो, ही वाज 5 times his son age find him present age। जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने करवाया है ये बिल्कुल वैसा ही है,
इसका सॉल्यूशन आपने वीडियो देखने के जस्ट बाद ही स्टार्ट कर देना है, ठीक है, और करने के बाद फोटो अपलोड कर देना है, जो सॉल्यूशन कर देना और कॉपी में तो जो आपने किया है वो फोटो अपलोड कर देना, मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो जो बेसिकली आपने जो ये वीडियो अपनी इसमें क्या किया है, सम मोर एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को डिस्कस किया है, ठीक है। ये अपनी फोर्थ वीडियो